साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं आप सभी के समक्ष बीएसएससी के मुद्दे को लेकर के प्रस्तुत हूँ। साथियों कई दिनों से कई महीनों से मेरा वीडियोस आ नहीं रहा था बीएसएससी से रिलेटेड, बिकॉज कहीं ना कहीं इंगेज होने के कारण। लेकिन इसके लिए मैं आप सभी से खेद प्रकट करती हूँ। साथियों आपको मालूम होगा कि 1778 कैंडिडेट के लिए कंटिन्यू हम सभी बंधुओं ने, हम सभी दोस्तों ने मिलकर के काम किया था, बावजूद कुछ भी अभी तक इसका पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आया। साथियों आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और अब जो कुर्सी कुमार जी हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, एक सीएम के लिए ये कहना उचित नहीं है, लेकिन अगर किसी ने उनको संज्ञा यह दिया है तो इसको भी उन्होंने चरितार्थ करने के में बिल्कुल कुछ भी कसर नहीं छोड़े हैं। साथियों एटलीस्ट तेजस्वी यादव जी ने रोज़गार की भरमार की बात कही थी, उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा भविष्य की बात कही थी, आज वो दिन आ गया और आज 1778 कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं यह राह देखने को विवश है कि अब नहीं तो कब। मतलब ये है कि अभी लगभग सीट 3000 के करीब वैकेंट है और जो बीएसएससी सीजीएल 3 का जहाँ तक सवाल है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ ही यह मुद्दा भी है, क्योंकि जो लोग का एज एक्सपायर का इशू, एक्सपायरी का इशूज़ है एंड बहुत सारा अब वक्त बिताने का मन नहीं करता है, कई बार पढ़ने का भी मन नहीं करता है और प्रत्येक व्यक्ति की व्यवस्था अलग अलग होती है। मैं उन छात्रों की बात नहीं करती हूँ जो ऑलरेडी या वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन छात्रों की बात ज़रूर करूँगी जिनका थोड़ा सा नमी की वजह से उनकी ज़िंदगी में हरियाली लाया जा सकता था और वह था 1778 जो सीट वैकेंट बिहार एसएससी ने, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये रखा गया है, यह कहीं से भी न्याय उचित नहीं लगता। तो साथियों इस पर आप सभी को और आप सभी से मेरी अनुरोध है कि एक बार पुनः आप सभी लोग सक्रिय हो और इस पर काम किया जाए, क्योंकि देखिए एक साथ आने से ही कुछ भी पॉसिबल है और अकेला चना भार नहीं फोड़ता कहा गया है, तो इसमें आपका बहुत कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी होगा।